कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज 1665 ई में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की। उन्होंने अपने बनाई सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में कर्क कॉर्क की एक पतली काट सेक्शन में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियाँ देखी। इन कोठरिया को उन्होंने कोश सेल नाम दिया। ये कोश शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष, ए लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ। लिवेन हक ने 1674 ई में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन किया। 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल, क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्रों में बहुत से महत्वपूर्ण खोज हुए। इनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित है। 1. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ई में केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की। 2. डुजार्डिन ने जीव द्रव्यों प्रोटोप्लाज्म की खोज की, जबकि पुड़किंजे ने 1839 ई में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्धतरल दानेदार सजीव पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्यों नाम दिया। 3. 1838 ई में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों के शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। 4. 1839 ई में प्रसिद्ध जंतु विज्ञान शास्त्री श्वान ने बताया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। 5. 1855 ई में विर्चोव ने बताया कि नए कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। 6. मैक्स सुल्ज ने 1861 ई में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहते हैं। 7. 1884 ई में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशगति में भाग लेता है। 8. कैमिली गाल्जी ने 1898 ई में गाल्जी उपकरण का गाल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज की। 9. केंद्रक के भीतर के संघनित भाग केंद्रिका की खोज 1774 ई में फेलिक्स फंटाना ने की। 10. 1880 ई में फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। 11. 88 ई में वर्ल्डेयर ने गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण किया। 12. 1883 ई में सिंपर ने पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किया। 13. 1892 ई ने विजमैन ने सोमेटोप्लाज्म एवं जर्म प्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। 14. जी ई पैलेट ने 1955 ई में राइबोसोम की खोज की। 15. सी डी दुबे ने 1958 ई में लाइसोसोम की खोज की। 16. टी बोबेडी ने 1888 ई में तारककाय सेंट्रोसोम का नामकरण किया। 17. रिचर्ड ऑल्टमैन ने सर्वप्रथम 1890 ई में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और इसे बायोब्लास्ट का नाम दिया। 18. बेंडा ने 1897 टू 98 में माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया।